हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माँ गायत्री का जो महामंत्र है दोस्तों, वो हमारे अंतर मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर आलोक को पैदा करने का मंत्र है। ये जो प्रकाश हम लोगों को मिलता है, इस प्रकाश के दो आयाम हैं, दो हिस्से हैं इसके। पहला तो वो है जो बाहर से मिलता है, दीपक है, मशाल है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, यहाँ तक कि भगवान सूर्य हैं, ये सारे के सारे बाहर के प्रकाश का स्रोत है। बाहर से जो हम लोगों को प्रकाश मिलता है, उसके दो घटक होते हैं, दो अंग होते हैं। एक का नाम है ऊर्जा और दूसरे का नाम है आभा। एक से तो हम लोगों को ऊष्मा मिलती है, एक से तो गर्मी मिलती है। यदि हम लोगों को ठंडी लग रही हो और बाहर जाकर के धूप में बैठ जाएं, तो शरीर में गर्मी आ जाती है। ये प्रकाश का, ऊर्जा का काम है, प्रकाश की ऊष्मा का काम है कि वो हमारे ठंडे हो रहे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। और प्रकाश का एक दूसरा काम भी है जिसका नाम है आभा। यदि हम अपने जीवन में भटक रहे हों, अंधेरा छा गया हो, तो अंधेरे में हमारे को मार्गदर्शन देने का काम प्रकाश की आभा करती है। ये बताने का काम कि किस पथ पर चलने की आवश्यकता है, ये कार्य प्रकाश की आभा करती है। अंधेरे में आदमी को समझ में नहीं आता कि किधर चलने की आवश्यकता है, पर प्रकाश आ जाए, लाइट जल जाए, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, किधर से किधर जाने की आवश्यकता है। ये काम प्रकाश की आभा करती है। बाहर का जैसा प्रकाश है, वैसे ही दोस्तों भीतर का प्रकाश भी है। भीतर का प्रकाश भी हमको दो चीज़ें देता है, एक का नाम है ऊर्जा और दूसरे का नाम है आभा। हमारे जीवन में गर्मी पैदा करने का काम गायत्री का महामंत्र करता है। हमारे व्यक्तित्व के अंदर यदि कोई दोष आ गए हों, दुर्गुण आ गए हों, विकृति आ गई हों, तो उनका शमन करने के लिए हम लोग माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं भर्गो। भर्गो का मतलब है जला डालिए, हमारे को तपा डालिए। यदि हमारे व्यक्तित्व के अंदर आपको कहीं कोई दोष नज़र आते हैं, दुर्गुण नज़र आते हैं, विकृतियां नज़र आती हैं, तो हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आप उन विकृतियों को जला डालिए, हटा डालिए, तपा डालिए, शुद्ध कर डालिए। ये प्रार्थना हम लोग भर्गों के माध्यम से करते हैं। और फिर कहते हैं देवस्य। देवस्य का मतलब है कि मुझे वो पथ दिखाइए जो सन्मार्ग का पथ है, जो सद्बुद्धि का पथ है, जो सही पथ है, वो दिखाने की प्रार्थना हम माँ गायत्री के महामंत्र में माँ गायत्री से करते हैं। जैसे बाहर का प्रकाश हमको ऊर्जा और आभा देता है, वैसे ही भीतर का प्रकाश भी हमको ऊर्जा और आभा देता है। अंतर एक ही है कि जो बाहर का प्रकाश है वो एक न एक दिन खत्म हो जाता है। दीपक है, एक न एक दिन बुझ ही जाएगा। जब तक तेल है, जब तक घी है, तब तक चलेगा, फिर बुझ जाएगा। ट्यूबलाइट है, एक न एक दिन फूकी जाती है। आग है, एक न एक दिन बुझी जाती है। यहाँ तक कि जो भगवान सूर्य हैं, वो भी एक न एक दिन अपने प्रकाश को समेट लेंगे और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाहर का जितना प्रकाश है उसका एक न एक दिन अंत सुनिश्चित है, पर जो भीतर का प्रकाश है वो यदि एक बार आलोकित हो जाए और आदमी का अंतर्मन, आदमी के अंदर बोध का उदय हो जाए, ज्ञान का उदय हो जाए, प्रकाश का उदय हो जाए, फिर उसके जीवन में अंधकार के प्रवेश की संभावना नहीं रहती। एक बार बुद्ध बन जाने के बाद व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ता। एक बार गुरुदेव बन जाने के बाद फिर सामान्य व्यक्ति की यात्रा को शुरू नहीं करना पड़ता। एक बार व्यक्ति विवेकानंद बन गया तो बन जाने के बाद फिर उसको उसी कामनाओं के, वासनाओं के और तृष्णाओं के दौड़ में नहीं पड़ना पड़ता। अंदर ज्ञान का उदय हो गया, अंदर आलोक का उदय हो गया, तो उदय हो जाने के बाद फिर से उसी यात्रा को शुरू करने का कोई उपाय नहीं रह जाता। ये क्या है? ये अंदर के आलोक को उदय करने की यात्रा का नाम है। उसको हम लोग कहते हैं गायत्री का मंत्र। और आज के इस अवसर पर उस मंत्र की महत्ता और भी ज़्यादा हो जाती है। ये जो वसंत पर्व का अवसर है दोस्तों, वो अवसर है जब हम लोग इस मिशन के सभी महत्वपूर्ण निर्धारणों को होते हुए देखते हैं। गुरुदेव ने जब इस मिशन की महत्वपूर्ण स्थापनाओं को शुरू किया, तो वो समय सदा से वसंत का रहा है, क्योंकि वसंत प्रकाश के उदय का पर्व है, वसंत आलोक के उदय का पर्व है, वसंत नई शुरुआतों का पर्व है।
चाहे अखंड ज्योति की स्थापना रही हो, अखंड दीपक की स्थापना रही हो, गुरुदेव के गायत्री के महापुरुष चरण रहे हों, चाहे शांति कुंज की या गायत्री तीर्थ की स्थापनाएं रही हों, ये सारी की सारी स्थापनाएं वसंत पंचमी के दिन ही शुरू हुई हैं। तो इस पवित्र अवसर पर एक बार स्थिर होकर के उस शक्ति का ध्यान करें जो हम लोगों को प्रकाश, प्रेरणा और पवित्रता प्रदान करती है। गायत्री मंत्र साथ साथ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।